मॉर्निंग एंड आपका हमारे चैनल पर दोबारा स्वागत। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई हम विकास भाई के साथ दोबारा जा रहे हैं कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं हम विकास भाई, आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? देवी डांडा जा रहे हैं। देवी डांडा हम आज देवी डांडा जा रहे हैं घूमने के लिए, और एक और भैया आ रहे हैं, स्कूटी लेके आएंगे, तीन जने जाएंगे हम। और धूप भी बहुत है, पर जाना पड़ेगा, ऐसे ही चिल मार के आएंगे, आज मौज करके आएंगे। जब साथ में हो विकास भाई तो आपको पता है विकास भाई किस तरह से कॉमेडी करते हैं। तो चलो चलते हैं, बने रहिए वीडियो पे, कंटिन्यू। प्लेन चेंज हो गया तो पहले हम जा रहे हैं मापगढ़ की ओर, जो कि वहाँ है, और शाम के टाइम आएंगे हम देवीडांड, जो कि इधर तरफ है। ये दोनों भैया हैं हमारे, जो कि अभी रेस्ट कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं यहाँ पे। और विकास भाई को तो आप जानते होंगे, पहले भी आए थे हमारे साथ व्लॉग में। और बाकी यहाँ से आप व्यू चेक कर सकते हो। ज़्यादा धूप लगी है, फिर भी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, और भैया लोग भी हमारे साथ हैं, तो हम भी इनके साथ जा रहे हैं। और विकास भाई आज कतई हैंडसम लग रहे हैं। तो भाई यार बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, थोड़ा थोड़ा स्किप स्किप करके दिखाऊंगा, ब्रंजली वीडियो में कंटिन्यू। अभी तो ये कुछ भी चढ़ाई नहीं है, अभी तो बहुत ऊपर जाना है, और उसके बाद हमें देवी डांड वाले मंदिर भी जाना है। और करण भैया को देख सकते हो आप फुल मौज में, और विकास भाई तो बोर हो गए हैं गाड़ी में बैठे बैठे। क्या नीलकंठ से आ रखे हम यहाँ, तो बहुत थकान महसूस हो रही है, और ऊपर से धूप गर्मी और चढ़ाई, क्या ही बोले। और ये चेक करो आप कैसा व्यू लग रहा है टॉप से, नीचे दुकान है, वहीं से प्रसाद लिया हमने। तो चलो आगे चलते हैं। करो भाई आप, क्या ही व्यू, मज़ा आ रहा है इनको देख के पहाड़। और करण भैया थक लगा रही है बहुत ज़्यादा। विकास भाई हवा चल रही है ठंडी ठंडी। हाँ हवा चल रही है इधर, हवा ठंडी ठंडी, बस इतनी गर्मी नहीं हो रही है इधर। आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके, हैं? विकास भाई की हालत डाउन है, करण भैया एक्टिव है अभी। और चलो तब चलते हैं, बहुत चढ़ाई है भाई। पहुंच गए हैं फाइनली कई मशक्कत के बाद मंदिर में, और करण भैया और विकास भैया बहुत तेज़ी से जाते हुए। हालत ख़राब हो रही मेरी तो, ये देखो पहुंच गए भाई फाइनली, ये देखो ये चेक करो, फाइनली गाइस, बहुत देर बाद धूप में, जय हो भोलेनाथ भाई साहब, पैर जल रहे हैं, क्या ही बोले। फाइनली भोलेनाथ जी के दर्शन हो ही गए हैं। तो यहाँ पे बोला कि माता रानी का भी यहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे भी चुन्नी वगैरह चढ़ाना है हमें। तो कौन सा है ये वाला है क्या? ये तो हनुमान जी का, ये है माता रानी का। और फाइनली खोल दिया है करण भैया ने मंदिर, यहाँ में सिंगार वगैरह चढ़ाना पड़ता है। गाइस दर्शन तो हो गए हैं, तो भाई आप यहाँ से ना नीचे का व्यू चेक करो एक बार भाई, ये देखो किस तरह के जो है चट्टाने और पहाड़े लग रहे हैं। हाय हाय बहुत ही ज़्यादा धूप लगी भाई आने में, पर यहाँ का सुकून भी अलग ही है, चेक करो आप। सुल्टे हाथ से पकड़ेंगे, जय हो। मस्त चल रही है, अरे चकाचक ठंडी ठंडी हवा।
एसी भी फेल है। हाँ, एसी भी फेल है। और विकास भाई कैसे लग रहा है यहाँ? चकाचक सही है, सही है। और ये चेक करो भाई, आप ये चट्टान कोई गिरी है ना भाई यहाँ से, बस खल्ला खाली। जाने का मन तो नहीं कर रहा है पर क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। और धूप इतनी हो रही है ना भाई, क्या ही बोले। और वहाँ भी जाना है अभी देवी डांड, तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। और करण भैया हमें देखते हुए कैसा लग रहा है करण भैया आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब विकास भैया को तो क्या ही बोले, हालत डाउन, स्विच ऑफ, बैटरी ऑफ, या देखो ऐसा तो कभी था ही नहीं। तो गाइस हमें यहाँ पे रोका गया है, आगे बहुत ज़्यादा आग लग गई है और हम अभी हम बीच में हैं। और वो देखो फॉरेस्ट गार्ड भाई लोग उधर हैं सब, कितनी ज़्यादा आग लग गई है भाई। भाई रोड ही नहीं दिख रही, देखो बीच में रोड है ना, वो ही नहीं दिख रही। करण भाई गलत बात है नहीं, स्कूटी नीचे खड़ी करी है, देवी डांडा जा रहे हैं हम। और इधर क्योंकि रोड का प्रोसेस चल रहा है इसलिए हम क्या करें, तब जाना तो पड़ेगा। हम बहुत ऊपर आ गए थे गाइस, बहुत ऊपर स्कूटी लेके, तब हमें ट्रैक्टर मिल गया उधर तक जाने के लिए आधा तक, तो वहाँ तक चलते हैं। बहुत अच्छा ट्रैक्टर की सवारी, आज हमने बहुत एंजॉय किया। पर यार रोड ब्लॉक हो गया था, यहाँ पे काम कर रहा था रोड का, तो इसलिए हमने स्कूटी नीचे खड़ी कर दी। अब हम ट्रैक्टर में जा रहे हैं, भैया की बहुत बहुत धन्यवाद हमें ले जाने के लिए। मुश्किल में तो हम यहाँ पे पहुँच तो गए हैं, पर यहाँ पे अभी पानी पी रहे हैं भैया लोग। यहाँ पे पानी का नलका मिल गया, वो तो बढ़िया हुआ, यहाँ पे पानी का नलका मिल गया। और यह है गेट, और यहाँ से जाना है ऊपर अभी धूप में, और फिर उसके बाद दोबारा पैदल जाना है। और यहाँ दुकानें भी नहीं खुली है, देखो सुनसान हो रहा है यहाँ भी, ऐसे ही व्यू है जैसा माप करता है यहाँ का। भैया पहाड़ी फल का आनंद लेते हुए क्या खा रहे हो करण भैया? हिसरी है इसकी, पहाड़ी फल। हाँ हिसरी। और विकास भाई कैसा लग रहा है? राम फल खा रहे हैं हम। राम फल, ठीक है ठीक है। और अभी हमें जाना है बिल्कुल टॉप में, इससे भी पीछे हैं, इसके भी पीछे, क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अब आ गए इतने तो गाइस, यहाँ आने के लिए हमने बहुत ही मेहनत की, क्या ही बताऊँ मैं, बस बोलना कम पड़ जाएगा अगर हमने बताया आपको तो। और अब यहाँ से व्यू चेक करो भाई, अभी आएंगे यहाँ पे फोटो शूट करने। और ये राम मंदिर फाइनली यहाँ आने का, और आज कैसे न कैसे करके पहुँच ही गए देवी डांडा। हाँ सही बात, क्यों विकास भाई? विकास भाई से ऐसे कर रहे हैं, उनकी हालत ख़राब हो गई, उनको चोट भी लगी है, पर गेट बंद लग रहा है मेरे को मंदिर का। हैं गेट बंद लग रहा है भाई, चलो देखते हैं। अब अंदर जाते हैं, जूते चप्पल उतारते हैं, तब मिलते हैं आपको। बिल्कुल मापगढ़ की तरह ही ये ना घंटियाँ साइड साइड में लटके हैं। माता रानी का मंदिर है ये। फ्रेंड्स यहाँ भी बंद है, क्या करें, रहने दो यार, जय हो माता रानी। बारिश से हमने नमस्कार वगैरह कर लिया है, क्या करें, तब नया पंडित जी है। अरे रहने दो किसी का ऊपर जब मैं बंद कर रखा है तो नहीं खोलना। ओहो भाई साहब ये चेक करो मंदिर लुक की, वो देखो ना आप लोकेशन क्या हाइट पे है भाई। आय हाय, बस ये कि यहाँ आने के लिए थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, वरना लोकेशन तो एकदम मस्त है, ये चेक करो। तो फ्रेंड्स हम अंदर चले ही गए हैं, क्या करें, जय हो माता रानी की। यहाँ बंद है भाई यार, क्या करें, बिना अनुमति के हम नहीं जा सकते यहीं से, माता रानी के नहीं जाना चाहिए भाई यार, समझते हम बात को तो हम बाहर चले जाते हैं। जय हो माता रानी की, चले गए हम यहाँ से, क्या करें यार, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। और भाई आज हमने बहुत ही ट्रैवल किया, बहुत ही एडवेंचर किया भाई, ट्रैक्टर में हम यहाँ आए माता के दर्शन करने के लिए, पर यहाँ फिर भी यहाँ यार आ दो दान पात्र में डाल दो पैसे। जय हो, चलो चलते हैं, बहुत मशक्कत की, बहुत मेहनत की आने के लिए, पर क्या करें लास्ट में यही होता है। पर आज का दिन बहुत अच्छा था, बहुत ट्रैवल किया, बहुत घूमें, इंजॉय किया। अब इधर पानी का नलका भी था, एक बार पहले भी आया मैं, उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, और यहाँ पानी भी, पानी पीता हूँ मैं पहले,
जितना ज़्यादा पानी पियोगे ना आप गर्मी में उतना ज़्यादा इससे लग रहा है कि पानी नहीं आ रहा है भाई। अच्छा हुआ हमने नीचे पानी पी लिया, यहाँ पानी नहीं आ रहा है ना। और हवा बहुत मस्त चल रही है, हवा की आवाज़ आप सुनो जरा, आए हाय पंखा एसी सब फील। चलो भाई जय हो माता रानी की, चलते हैं नीचे हिमावगढ़। दोनों जगह आज हमने घूमे यहाँ, बहुत मज़ा आया, आपको भी दिखाया, तो चलो चलते हैं। टॉप की जगह पे भाई, यहाँ से चारों ओर का वातावरण आप चेक करें भाई। ये देखो व्यू, देखो भाई आप ये देखो भाई, चेक करो भाई साहब, हवा इतनी तेज चल रही है ना भाई, क्या ही बोलूं मैं। तो नीचे मिलेंगे आपको अब।